गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th ऑफ योर एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट। क्वेश्चन 5th इज विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। कह रहा है इनमें से कौन सा परिवर्तन तेजी के साथ पाया जाता है, वेदर और क्लाइमेट में। देखिए वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली बट नॉट द क्लाइमेट, बिकॉज वेदर चेंजेज विद इन द आवर और विद इन द डेज, बट क्लाइमेट डू नॉट चेंज विद इन द आवर और डेज। क्लाइमेट टेक द लॉन्ग टाइम टू चेंजेज, सो वेदर इज द फ्रीक्वेंटली चेंज, या चेंज ऑफ द वेदर इज द फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट द वेदर, इट इज द रोटेशन टू द ट्रॉपिकल एंड और पोलर रीजन। और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं एनिमल्स की, और ये आपको वेदर कंडीशन दी गई हैं। ये वेदर कंडीशन है, किस प्रकार की वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो, क्लाइमेटिक कंडीशन को फॉलो करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। कह रहा है इन दीज कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करने के लिए वेदर में किन किन प्रकार की एडॉप्टेशन होती हैं, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट ऑफ पोलर रीजन में। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से दोनों रीजन में अडोप्टेड करने के लिए अनुकूलित बना सकते हैं जीव को। पहला लग रहा है डाइट्स हैवी ऑन द फ्रूट्स, मीन्स फल बहुत अधिक ज़्यादा लदे कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे फ्रूट्स बहुत हैवी और लदे हुए होते हैं, तो स्वाभाविक बात है ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट फॉरेस्टों में जंगलों में फलों की तादाद बहुत अधिक होती है। सेकेंड कह रहा है वाइट फल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोलर रीजन, बिकॉज वाइट फल आर प्रेजेंट ऑन द पोलर बियर और पोलर बियर फाउंड इन द पोलर रीजन। नीड टू माइग्रेट, वे एनिमल जिनको माइग्रेट करने की आवश्यकता होती है, तो पोलर रीजन एनिमल्स आर माइग्रेट नीड टू माइग्रेट। लाउड साउंड ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट मीन्स द एनिमल विच आर लिव इन द ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट अडॉप्टेड द लाउड साउंड एंड लाउड वॉइस। फिफ्थ में देखिएगा स्टिकी पैड्स ऑन फीट, जिनके पैरों में जो पैर हों, जो गद्दियाँ हों वो चिपकनेदार हों, तो ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में पेड़ पौधों पर चढ़ने के लिए एनिमल्स के पैर गद्दीदार होते हैं। द लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, दिस इज द रीजन ऑफ द पोलर रीजन कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज टू आइसोलेशन और डू नॉट एस्केप द हीट फ्रॉम द बॉडी। वाइड एंड लार्ज पाउच आर द रीजन ऑफ द पोलर रीजन, वाइड एंड लार्ज पाउच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलर रीजन। ब्राइट कलर्स आपको चमकीला क्षेत्र कौन सा दिखाई देगा, तो ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट आपको चमकीला दिखाई देगा, पोलर रीजन आपको व्हाइट दिखाई देता है। उसके बाद देखिएगा आप थोड़ा इधर क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, स्ट्रॉन्ग टेल दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट एनिमल्स अडॉप्टेशन, एंड लॉन्ग एंड लार्ज बीक इज द अडॉप्टेशन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट। दीज आर द आंसर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन विच मेक टू देम सर्वाइव इन फेवरेबल कंडीशन और इन एक्सट्रीम कंडीशन टू मेक देयर फेवरेबल बाई चेंजिंग द देयर बॉडी स्ट्रक्चर सो देयर कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड द अडॉप्टेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।